तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम ले लेंगे आधा किलो मटन, ये बोनलेस मटन है और इसके बड़े बड़े पीसेस हैं। इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून सॉल्ट, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/2 टीस्पून रेड चिल्ली पाउडर, 1 टीस्पून लहसुन का पेस्ट, 1 टीस्पून अदरक का पेस्ट, 1/4 टीस्पून मटन मसाला पाउडर और 2 टीस्पून दही ऐड कर देंगे। मिक्स कर लेंगे इसे अच्छी तरह से। अब हम इसे प्रेशर कुकर में ट्रांसफर कर देंगे। इसमें 1/2 कप पानी भी शामिल कर देंगे। इसे 4 से 5 विसल होने तक गोश्त को गला लेंगे। तो देखिए 5 विसल के बाद कुकर का लिड ओपन कर लेंगे, इसमें पानी जो है उसे खुश्क कर लेंगे। पानी अच्छी तरह से ड्राई हो चुका है, अब हम इसे अलग बर्तन में निकाल लेंगे। अब हम कोटिंग के लिए मसाला तैयार करेंगे। इसके लिए सबसे पहले लेंगे 1 टीस्पून दही, 1/2 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1/4 टीस्पून जीरा पाउडर, 1/4 टीस्पून मैंगो पाउडर, 1 टीस्पून कॉर्नफ्लावर, गरम मसाला पाउडर लेंगे 1/4 टीस्पून, नमक शामिल करेंगे 1/4 टीस्पून। नमक थोड़ा ही ऐड करेंगे, पहले ही हमने गोश्त में नमक ऐड किया हुआ है। अब इसमें आप 1 पिंच रेड फूड कलर ऐड कर देंगे, ऑप्शनल है ये। अब ये सारे मसाले को मटन के ऊपर अच्छी तरह से कोट कर देंगे। तो देखिए मसाला अच्छी तरह से कोट हो चुका है, अब हम इसे फ्राई कर लेते हैं। एक फ्राई पैन में 1 टेबल स्पून ऑयल गरम करेंगे और इसमें 1 टीस्पून बटर ऐड कर देंगे। बटर के मेल्ट होने से पहले ही हम इसमें मटन के पीसेस ऐड करते जाएंगे। इसे इसी तरह मीडियम फ्लेम पर फ्राई करेंगे, 5 मिनट तक फ्राई करेंगे। इसके साइज को चेंज कर देंगे। तो देखिए फ्राई हो चुका है, इसे दूसरे साइड से भी अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। ये अच्छी तरह से फ्राई हो चुका है, अब इसमें कोली स्मोक देंगे। इसके लिए एक जलता हुआ कोयला स्टील की कटोरी में रखेंगे और इसमें रख देंगे। ऑयल डाल देंगे इसके ऊपर, इसे अच्छी तरह से ढक देंगे। इसे
5-10 मिनट तक इसी तरह रहने दें। उसके बाद लिड ओपन कर लें। अब इसे सर्व कर लेते हैं। तो लीजिए, हमारी मटन टिक्का बोटी बनकर तैयार है। इसका टेस्ट बहुत मज़े का होता है। आप भी इसे घर पर ज़रूर ट्राई करें और मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताएं कि आपको कैसी लगी ये रेसिपी। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो इसे सब्सक्राइब किए बिना ना जाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।